जयनागम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 वैर सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन कनाडा। मतलब पता चल गया कि शाम तक का मेहमान है, पर वो शाम तक के ये तो पता चल गया कि शाम को जाने वाला है, पर फिर भी धड़कन तेज है। चल बैठो, तो बैठो, पानी लेके आते तुमको। अब पानी नहीं, दूसरे कमरे में फोन लगाई पति को, अरे वो बहन आई है, कुछ ले आओ, है ना। अरे और वहां से फिर कमरे में आएगी, फिर ठीक है, बैठना, लेके आते पानी। सोचो 4-6 घंटे इतने भारी पड़ गए मेहमान के, है ना। तो भी पहले के समय में घर जब चाहे कितनी दीपावली पे कितना ही महंगा महंगा पेंट होता हो, पर अपन गेट के ऊपर लिख देते थे पहले अतिथि देवो भव, कह लेते थे, ये परंपरा थी हमारी। तो वहां पर हम गेट पर मेन गेट के दरवाजे पर लिखते थे अतिथि देवो भव, पर आप इतने परेशान हो गए अतिथि से, तो आपने क्या किया, वो हटाई दिया। वो दो दिवाली पर अब वहां पर बच्चे पढ़ लिख गए, अब हिंदी में नहीं, अपने इंग्लिश में लिख दो, उसमें भी क्या है, षड्यंत्र है पूरे, बैल कम बैल अलग कम अलग, बीच में डंडा कर दे थोड़ा सा, पूरे बेटा जो अपने आप को बैल समझो वही आओ। वो मेहमान फिर भी आ गए, और मेहमान फिर भी आ गए तो बैल कम भी मिट गया। अभी एक ने नया मकान बनाया, इतना सुंदर रंग पेंट किया और अपने दरवाजे पर लिख दिया शुभ लाभ। तो मैंने सब पूछा है, मैंने ये बताया यार तुमने शुभ लाभ क्यों लिखा, सब लिखते हैं महाराज। तो मैंने कहा कुछ रीजन तो होगा, कोई लॉजिक तो होगा, बताओ शुभ लाभ लिखने का मतलब क्या है। बोले बता दूं, मैंने हाँ बताओ क्या दिक्कत है, कि चलो आपको बताने से क्या दिक्कत है, आप तो महाराज हैं, बता देते हैं। बोले शुभ लाभ का मतलब ये है, ये इंडिकेट है आने वालों के लिए, जो शुभ शुभ हो वो आए। घर में कौन आए, कौन आए, शुभ शुभ। मैं शुभ शुभ का मतलब क्या होता है, बोले शुभ शुभ आए, है ना। और जब जाएं तो लाभ करा के जाए। एक बहन के यहाँ पर एक छोटा सा बेटा था, रक्षाबंधन पे भैया पहुंचा, और जब भाई पहुंचा वहां पर घर में, तो बहन बड़ी खुश हुई, और खुश हुई तो पता चला कि शाम को भैया वापस भी जाएगा राखी बंधवा करके। तो बहन भी अपेक्षा तो रखती है कि भैया जाए ना तो कुछ दे के जाए, ये लेन देन का व्यापार है, व्यवहार नहीं व्यापार बन गया। तो अपन देखेंगे कि भैया को मान लो 4 बजे की ट्रेन है, उसे जाना है 3:30 बजे, तो बहन क्या करेगी, अपने बच्चे को ढूंढ ढाल करके उसको गोदी जरूर लेके आएगी, मामा से मिल ले, देख मामा जा रहे हैं। अब ये संकेत है कि भैया छोटो भांजो, भैया ध्यान रखना, और कह जाते हैं अकेले पकड़ो मामा के पास खेलो, जब तो मामा को चाय बना के ला रहे, ठीक है ना। अभी सुबह से शाम सुबह हो गई, 2-4 घंटे हो गया, तो मामा को बच्चे को लाके नहीं दिया, जाते समय दिया ला, और चाय बना के ला रहे हैं। मामा भी होशियार है, मामा भी जानता है कि बहन की नियत क्या है,
तो क्या करते हैं, वो भी 500 रुपए देना है, 1000 रुपए देना है, पर वो भी अकेले में नहीं देता। मान लो अकेले में दे दिया, कहीं बच्चे ने यहाँ पटक दिया तो बहन सोचे कि देके नहीं गए, तो देते ही नहीं, रख लेता है बस। जब वो जाने का टाइम होता है, वो बहन जैसे ही जाने का टाइम हुआ मामा का, वो बच्चे को गोदी उठा लेती है, बेटा टाटा करो मामा जा रहे हैं। तब मामा निकालता है नोट, बहन की आंखों को दिखाते हुए लाता है और बच्चे का हाथ पकड़ के रख देता है। अब माँ मना तो करना पड़ेगा, अरे काय को दे रहे हो, क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है। और बेटा देख रहा है माँ की तरफ, लू नहीं लू, करीब करीब मुंह से कहेगी क्या जरूरत है, पर सारे महानुभाव अपन देखें कि रिश्तों में इतना अंतर आ गया। पहले मेहमान नहीं आते थे तो अगर एक बार कौआ काव काव कर दे छत पर तो बच्चे को भेजे, देख क्या कौआ अपनी छत पे बोल रहा है, क्या पक्के में कोई आने वाला है, मेहमान आने वाला है। और खुशी होती थी कोई मेहमान आता था तो खिलाने में, बनाकर खिलाने में बड़ा आनंद आता था, फिर खाने में आनंद आता था। और यदि मेहमान वापस जाता था तो उसके जाने में इतना अपन इमोशनल हो जाते थे कि आंखों में आंसू भर जाते थे। अब कब आओगे, रोना जाता था, आंसू भर जाते थे। अब तो मेहमान आए, एक तो चाहते कि आए ना, और आ जाए तो जाने में खुशी मनाते। अच्छा, तो महानुभाव जो आर्किटेक्ट की जो परंपरा है ना, अतिथि एक रूम, अतिथि का झांझरी जी एक रूम किसका है, अतिथि का है। और अतिथि का मतलब होता है मुनिराज, वो कमरा मुनिराज के लिए बनाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा अतिथि कौन, जिसकी ना आने की तिथि ना जाने की तिथि, वो है ये मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु। ये रूम उनके लिए बनाया गया था कि ये रूम खाली रहेगा, जब कोई मुनिराज आएंगे उनका आहार इस कक्ष में होगा, इसलिए उसका नाम अतिथि भवन, अतिथि रूम था। महानुभाव अपन देखेंगे ये जिनवाणी जो है ना बड़ी कीमती है, जिनवाणी के पंडित जी एक एक शब्द कांगे पमरे मोदी जी, सब शब्द बोलते हो तो ऐसा लगता है कि जिनवाणी छुपा रखी हो अंदर। अपन देखें जिनवाणी का एक एक शब्द परम औषधि है, जिनवाणी का एक एक शब्द परम औषधि है। ये परम औषधि यदि जिसने भी ले ली, उसके जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग मिट जाते हैं, मां छोटे मोटे रोग की बात ही क्या, परम औषधि है। और इसलिए कहा गया कि इस जनवाणी का पान करते रहो, इसका स्वाध्याय करते रहो। घर घर में परंपरा होना चाहिए कि हर जब आपने नाश्ता कर लिया, भोजन कर लिया, जो फ्री टाइम मिला, या शाम को सब सब लोग घर के फैमिली मेंबर लौट के आ जाएं, तो सांस खोल करके एक दो पेज जरूर पढ़ना चाहिए। परंपरा डाल के देखना बड़ा अच्छा लगेगा। एक पेज और पढ़ो अपने घर में, सबको बिठा लो, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, तत्व चर्चा होगी, जिनवाणी के शब्दों का उच्चारण होगा, उससे घर का माहौल अच्छा होता है, घर का क्लेश खत्म होता है, घर में बड़ा प्रेम बढ़ता है। जब जिनवाणी के शब्द मुंह से निकलेंगे और बरगड़ाए दीवार से टकरा करके वहीं वहीं घूमेंगे, घर के सबके परिणाम अच्छे रहेंगे, स्वाध्याय होना चाहिए। क्योंकि ये जिनवाणी का एक एक शब्द जो है कैसा है, शेरनी के दूध की तरह है। जिनवाणी का एक एक शब्द जिनवाणी के दूध की तरह है, तो जैसे कहा गया जिनवाणी का कि शेरनी का दूध मात्र सोने के बर्तन में ही टिकता है। यदि शेरनी के दूध को चांदी के बर्तन में रख दोगे तो बर्तन फूट जाएगा। किसी भी सिर्फ कोई भी धातु हो, सोना छोड़ करके अन्य धातुओं में चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, किसी में भी रखोगे बर्तन फट जाता है। सिर्फ शेरनी का दूध टिकता है मात्र सोने के पात्र में, ऐसे ही ये जिनवाणी जो ये जिनवाणी है, एक एक शब्द इसका वो कहां टिकता है, भव्य जीव की आत्मा में टिकता है। इसे हर कोई ज्ञानी नहीं है, है ज्ञानी क्या, हर किसी को स्वाध्याय की प्यास नहीं है। होटल कह दो क्या संडे है, चलो 56 में चलें, सब तैयार है। 56 ही कहते हैं ना,
संडे को शनिवार कोई महिलाएं खुश हो जाती है, कल तो कुछ बनाने नहीं है शाम को। बोले कहे कई सराफा चलेंगे, है ना, कहाँ चलेंगे सराफा। अच्छा एक हफ्ते में छप्पन की भी याद आ जाती है, सराफे की भी याद आ जाती है, पर हफ्ते हफ्ते कितने निकल गए पर एक भी दिन जनवाने की याद नहीं आई, एक भी दिन जनवाणी की याद नहीं आती कि चलो एक काम करो आज महीने में कम से कम एक दिन तो जनवाणी पढ़ लो सोने के पहले। यही स्थिति हो गई, आज हमारा जीवन मोबाइल में चला गया, काहे में चला गया मोबाइल में। पति पत्नी एक बेड पर बैठे हैं, पति अपना लैपटॉप लेके बैठा है तो पत्नी अपना मोबाइल लेके बैठी है, इतने पास में रहकर के भी एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है। पहले के समय में चार दीवारी के अंदर सारे रिश्ते रहा करते थे, आज हर रिश्ते के बीच में एक कांच की दीवार है, जहां पर पति पत्नी को देख तो लेता है कांच में से, पर ना उसकी भावनाओं को पति समझ पाता है ना पति की भावनाओं को पत्नी समझ पाती है, सिर्फ मालूम रहता है कि हम पति पत्नी। इतनी कड़वाहट सी आ चुकी इस मोबाइल से, इसलिए इस मोबाइल देवता को थोड़ी सी रेस्ट दिया करो। शाम को 8-9 बजे के बाद कम से कम मोबाइल से कुछ दूर रख करके ऑफ करके कुछ देर अपने परिवार के जो बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, माँ है, दादी है, दादा हैं, उनके साथ बैठ करके एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ, एक दूसरे से पूछो कैसे हो दादाजी, दादी कैसी हो, माँ कैसी हो, पिताजी कैसे हो, बच्चे बड़े बड़े हो गए, आई एम सेपरेट सेपरेट रूम है ना, क्या हुआ। जैसे ही घर में घुसते हम बड़ा बेटा अपने कमरे में चला गया, छोटा बेटा अपने कमरे में चला गया, और मम्मी बेचारी ऐसी जगह बैठ डालती है वो चुकट को सबको देखती रहती है, अब बड़ा गया, अब छोटा गया, अब ये गया, और अब इतने हम लोग अलग अलग कमरे होने से इतना अपने आप को अलग समझ लेते हैं, इतना अलग समझ लेते हैं कि कभी कभी सुबह मंदिर से लौटने पर रास्ते में कभी कोई छप्पन गया, छप्पन और उसके अलावा भी जो होटले हैं वहां से नाश्ता मिल रहा हो, समोसा कचौड़ी जलेबी ले आएंगे, वो भी छुपा करके सीधे ऊपर कमरे में पत्नी को देंगे, बच्चों को देंगे। अब पत्नी तो बड़ी समझदार है तो वो तो बेचारी खा पी के कमरे में ही पहुंच के नीचे आएगी, कोई को पता ही नहीं चले कि हम भूखे हैं, है ना। पर बेचारी जो छोटे छोटे नाती पोते हैं वो समोसा खाते खाते नीचे आ गए, और दादी से पूछे दादी आपने नहीं खाया, दादी देखती है अरे बाप रे समोसा आ गया, मुझे तो कुछ दर्शन भी नहीं हुए, है ना। अब वो बेचारी 10-11 बजे उसको तो दाल रोटी मिलना है दादी को, तो है ना, तो उसके दिमाग में आंखों में भगवान नहीं पे समोसे ही समोसा दिखाई देता है। तो इतनी बेरुखी क्यों, क्योंकि हमने जिनवाणी नहीं पढ़ी। इसलिए महान भाव है ना, ध्यान रखो अपने जैसे माँ बाप ने आपको स्किप नहीं किया अपने जीवन से, बच्चों के लिए स्किप नहीं किया, उनको वेलकम किया है, और नहीं आए तुम तो मन्नत मांग मांग करके तुम्हें बुलवाया है और तुम्हें पाला है, और तो आज तुम बड़े हो जाते हो तो अपने माँ बाप को ही स्किप करने की कोशिश करते हो, उन्हें घर से बाहर करने की कोशिश करते हो। अगर बर्थ कहीं शादी में जाना है तो माँ बाप को चौकीदार समझ के छोड़ जाते हो, मामा देखना ताला लगा लो अच्छे से, दरवाजे लगा लेना, हम रात को लेट आएंगे, ना कभी ऐसे ही कह दो कि पापा आप भी चलो, बच्चे का बर्थडे है तो उसका बर्थडे मनाओगे होटल में पर माँ बाप घर में रहेंगे, अरे एक टेबल उनको भी दे देना, वो ही बेचारे कुछ खाएं ना खाएं बैठे रहेंगे देखते रहेंगे, ना ऐसा होना चाहिए महान भाव, तब तो आप पूर्ण रूप से धर्मात्मा हैं। यदि आपके घर में ऐसा होता है ना तो आप ध्यान रखना, कभी एक साल में सभी देवी देवताओं के दिन आ जाते हैं, 24 तीर्थंकरों के कल्याणक आ जाते हैं, 5-5 कल्याणक हैं, 24 पंजे लगा लो, कितने कल्याणक आ गए, उनको तो मना लेते हो,
लड्डू चढ़ा देते हो, कभी गोले का लड्डू चढ़ा देते हो, पर जिन लोगों ने तुम्हें लड्डू चढ़ाने लायक बनाया है एकाध कल्याणक उनका भी मना लिया करो, एकाध कल्याणक उनका भी मना लिया करो। कम से कम होली दिवाली पर कभी भी कम से कम माँ बाप की पूजा कर लो, एक बार माँ बाप की परिक्रमा लगा लो, माँ बाप को नए कपड़े दे दो, माँ बाप को मुकुट पहना दो, माँ बाप को हार पहना दो, माँ बाप के चरणों में सर रख रख करके क्षमा मांगो, कहना पिताजी ये हमारी तरफ से है, रखो इसे, माँ ये नई साड़ी लो, महाराज जी के हाथ से एक पेन भी बच्चे को मिल जाए 5 रुपए का। बच्चा कहता है महाराज ने दिया है। ऐसे ही जब कभी बेटा बहू साल में एक बार भी यदि कोई छोटी सी गिफ्ट भी लाके मम्मी पाके खुशी से गीली हो जाती है, वही लगता है कि आज बच्चों को हमारे प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया। इसे महान भाव सच्चा धर्म ये है। मंदिर में तो हम काफी सब कुछ चढ़ा के जाते हैं, उन माता पिता का भी ध्यान रखो जिनसे उनकी अच्छी समाधि हो सके, उनका अच्छा कल्याण हो सके। ये सोचो कि मैं आपका कल्याण करूंगा, आपने हमें कल्याण किया जन्म दे करके, हम आपका बुढ़ापा संभालेंगे, और पिताजी हम तो चाहेंगे आप किसी गुरु चरणों में जाके समाधि कर्मण करना, हम लेके जाएंगे। ऐसे उसका नाम था, उसका नाम घर है, उसका नाम परिवार है। ऐसे परिवार की रचना इंदौर में मैं चाहूंगा स्थापित करने की ना, और इसीलिए इंदौर आया हूं। देखिए अभी कल हमारे मोदी जी ने कहा था इंदौर की नगरी विद्वानों से भरी हुई है, विद्वानों की खान है, और मैं कहूंगा इसीलिए तो मैं कुछ सिखाने नहीं आया, मैं तो जो नहीं करते हो वो करवाने के लिए आया, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ जहां भी जाता हूँ, समय हो आपका हो गया है, 4-5 दिन बनी बात कहूंगा। अभी अपन देखें हमारे जैन कॉलोनी से पूरी समाज श्री पल उन्होंने भेंट किया है चातुर्मास के लिए, पर देख लेना जो भी श्री पल चढ़ाओ देख लेना महाराज जी क्या करेंगे, महाराज जी नई नई चीजें करवाएंगे ना, जो सब देते हैं, बहुत से मुझे जाते रहते हैं जाते रहते हैं, जो सब देते हैं वो हम नहीं देते, जो अरविंद भाई जो सब देते हैं वो हम नहीं देते, पर जब भी हम देते हैं तो किसी से कम नहीं देते, कि विश्वास ना हो तो आज माँ करके देख लेना, सबकी खाली झोलियों को हम खुशियों से भर देते, खुशियों से भर देते ना। सभी जहाँ जहाँ के लोगों ने श्रीफल भेंट किया है, कहीं भी होगा पर पूरे इंदौर में होगा ना, और उस चतुर्मास की बूंदे छीटे हर मंदिर को मिलेंगे, और मैंने कह दिया कल चाहे मुझे 1 साल रुकना पड़े हर मंदिर में समय दूंगा, चतुर्मास के बाद भी तो रुक सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, हाँ इसलिए अरे 1 साल क्यों, 2 साल हो ठाकुर साहब कैसी बात है, जब दिल्ली में 16 साल रुक सकते हैं तो इंदौर में 3-4 साल रुक सकते हैं क्या, इसलिए महान भाव हम सब लोग ध्यान रखेंगे, संस्कारों का शंखनाद अपने को इस चतुर्मास में करना है, इसी भावना के साथ बोलिए महावीर। जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 वैर सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।